हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल हो चुकी है पिताजी की 13वीं, मेरे ससुर जी की। तो बस अब हम लोग फ्री हो चुके हैं, मतलब जो अशुद्धि वाला जो सिस्टम था वो फ्री, उससे फ्री हो गए हैं हम लोग। तो अब हमारी बस पैकिंग होने वाली है, अभी कल परसों में हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे। सब कुछ काफ़ी अच्छे से निपट गया, काफ़ी सही से हो गया। बट क्या था कि इस बीच में आपको कोई वीडियो नहीं दिखा सकी, कोई वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना सकी, क्योंकि कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ रिश्तेदारी ऐसी होती है कि हम उसके सामने अपने फ़ोन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हम लोग फ्री हो चुके हैं, आज मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने एक दो शॉट लिए थे, तो इसमें मेरे बेटे को मुंडन भी कराना पड़ा, क्योंकि दादा हैं, दादा के नाम पे हमारे यहाँ पे निकलते हैं बाल वगैरह, तो उसका हमें मुंडन कराना था, मुंडन करा दिया। मेरे ससुर जी के नाम पे कुछ दैतून वगैरह होती है, उनके लिए सामान देना पड़ता है, कि जैसे हम लोग दातुन वगैरह करते हैं तो कुछ काउंटिंग्स का उनके लिए सामान देना पड़ता है। यहाँ पे पेड़ है, ये देखो, ये पीछे जो भी आपको जंगल सा नज़र आ रहा है ना, ये मेरे घर के आगे का सीन है। तो यहीं पे वो पेड़ उगता है, उसी पेड़ से दैतून्स निकाली थी। चलो मैं आपको वो वाली वीडियो भी दिखाती हूँ, क्या है, कैसे उसको निकालते हैं। बाद फिर कल हो गई 13वीं, 13वीं में खाना वाना सब अच्छे से निपट गया, काफ़ी सारा खाना बना था, लोग भी काफ़ी आए थे, और जो ब्राह्मण जमाने ब्राह्मणों को खिलाना होता है वो सब भी काफ़ी अच्छे से हो गया। बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं इस दिन। तो पिताजी को हमारी लाल मिर्च वगैरह भी पसंद है, भुनी हुई पसंद थी मतलब, तो उनकी पसंद का सारा ख्याल रखा गया है। यहीं पे हमारे आंगन में ही सब ने खाना बनाया, बाहर से खाना बनाने वाले जो होते हैं ना उनको बुला लिया गया था, तो उन्होंने खाना बनाया, बाकी घर वालों ने थोड़ा थोड़ा हेल्प की उनकी। उनको भोजन परोस दिया गया है, सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए ही खाना लगाया था, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, और बहन भंजे जो होते हैं मतलब बेटियाँ जो होती हैं उनको जिमाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, फिर उनको कुछ दान दक्षिणा वगैरह दी जाती है। काफ़ी सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, मुझे तो बहुत सारे नहीं पता हैं और मैं वीडियो में इतनी सारी बता भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वीडियो से बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में ही आपको बता रही हूँ।
गाइस देखा आपने, ये सब होता है, बाकी होता तो बहुत कुछ है, पर मैंने कोई शॉर्ट शॉर्ट क्लिप ली हुई थी जिनको मैंने आपको दिखाया। अब हमारी जो चल रही है पूरी पैकिंग की तैयारी चल रही है, या फिर अगर हम कहीं घूमेंगे तो देखते हैं कहीं जाएंगे क्या होता है कैसे होता है, वो अभी डिपेंड करता है कि यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इस चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाए, कहीं घूम ही नहीं पाए। पर अब आज का मौसम थोड़ा सही लग रहा है, तो अब देखते हैं कहीं जाने का कुछ प्लान करते हैं। मैंने सोचा उससे पहले आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं, तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो मुझे बताइएगा आप कमेंट करके ज़रूर कि आपको कैसा लगा, और मेरा ससुराल कैसा लगा, ये पहाड़ी इलाका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। और अभी एक आध दिन का टाइम है मेरे पास, अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, जहाँ पे मैं घूम रही हूँ वहाँ की मैं वीडियोस बनाकर आपके लिए अपलोड करूँगी, ताकि आपको भी नज़र आ जाए कि मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।